नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड ईयर के लिए जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसके कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और जो क्वेश्चन है वो है कॉस से इंटीग्रल फार्मूला पर। तो कॉस से इंटीग्रल फार्मूला का यूज़ करके हम हमारे पास कुछ इंटीग्रेशन वो उनको सॉल्व करेंगे। और ये जो बुक है वो है जो हमारी सहकावटी यूनिवर्सिटी है उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। अब देखिए, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है कि क्वेश्चन है कि किसी ने कह रखा है कि कोस से समाकलन, कोस से समाकलन का, कोस से समाकलन फॉर जो सूत्र है, सूत्र का प्रयोग कर कर हमें जो इंटीग्रेशन है ई टू द पावर थ्री जेड जेड माइनस वाई आई सी का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। और जो हमें वर्थ है जो सर्किल दे रखा है वो है जेड माइनस वन इक्वल्स टू फोर। तो ये क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है कुछ इंटीग्रल फॉर्मूला के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें सर्किल की जानकारी है उसको हम पहले ड्रॉ करते हैं जो हमें डाटा गिवन है हिसाब से। अब देखिए, अब सबसे पहले इस सर्किल को ड्रॉ करना है। तो सर्किल को ड्रॉ करने के लिए आप क्या कीजिए, इसको कंपेयर कीजिए जेड माइनस ए इक्वल्स टू आर। ये स्टैंडर्ड रूप है इसका, जहाँ पर ए है ये हमारा सेंटर, सी एस सेंटर, और जो आर है वो है रेडियस, जिस सर्किल उस सर्किल की रेडियस है। तो आप पहले इस जो हमें ये दे रखा है उसके लिए हम सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल के हिसाब से पता चलेगा कि जो हमारे पोल्स है वो जो सर्किल के इनसाइड लाइक कर रहे हैं या आउटसाइड। यदि जो पोल है हमारे पास वो यदि सर्किल के आउटसाइड लाइक कर रहे हैं जो इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी वो भी जीरो, लेकिन जब पोल इनसाइड लाइक कर रहे हैं तो हमें वहाँ से कुछ वैल्यू प्राप्त होगी। तो देखिए, पहले सर्किल को ड्रॉ करते हैं। अब क्वेश्चन को हम क्वेश्चन का इतना पार्ट हमें चाहिए उसको रख लेते हैं और ये हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करना। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं ई टू द पावर थ्री जेड जेड माइनस पाई आई सी, यहाँ पर सी है सर्किल। तो ये लीजिए, इसको भी हमने इतना हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए, जो हमें गिवन डेटा शायद आपको देखिए पहले सर्किल ड्रॉ करते हैं। सर्किल ड्रॉ करने के लिए आप देखिए, अब इसको ए है जो हमारा सर्किल होगा उसका सेंटर ए वन पर होगा। तो ये हमारी रियल एक्सेस और ये इमेजिनरी एक्सिस, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। तो सेंटर का जो रियल एक्सिस है उस पर सेंटर होगा एक, जो सर्किल है उसका सेंटर होगा वन पर। तो ड्रॉ कीजिए वन टू वन टू वन टू वन टू। तो जो रियल एक्सिस है उस पर सेंटर का यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है वन और आर है फोर रेडियस फोर। तो जिसकी ऐसा आपको सर्किल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस तो फोर हो और जो सेंटर है वन पर हो। तो हमें और भी ड्रॉ करना होगा वन टू थ्री फोर और फाइव। तो हम यहाँ से मान लीजिए हमारा ए है वन या टू फोर सिक्स, और यहाँ कहीं पर वन है टू फोर सिक्स, और इधर भी टू फोर माइनस, ये माइनस में है माइनस टू माइनस फोर। तो आपको सर्किल का सेंटर वो वन है, तो वन ये सर्किल का सेंटर होगा। इससे आप जिसकी ऐसा सर्किल ड्रॉ कीजिए जिसकी रेडियस चार हो। तो रेडियस चार वन, उसके बाद टू थ्री, और ये यहाँ से और इधर वन टू थ्री, और ऐसा सर्किल ड्रॉ होगा यहाँ से इधर कुछ ऐसा सर्किल ड्रॉ होगा। अब देखिए, हमें पोल ज्ञात करने हैं। पहले पोल डिफाइन करेंगे हम, पोल से पता चलेगा कि जो पोल है वो इनसाइड लाइक करेंगे आउटसाइड। तो जो ये पार्ट है नीचे वाला पार्ट, इसको आप जीरो के इक्वल पुट कीजिए। तो जेड माइनस पाई आई फोर पोल्स, जेड माइनस पाई आई इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो जेड इक्वल्स टू पाई आई। इसका अर्थ क्या हुआ, जेड है पाई की वैल्यू है पाई इक्वल्स टू 3.14 और आई। तो ये जो जेड है वो इमेजिनरी एक्सेस पर होगा कुछ यहाँ, ये आई है इमेजिनरी टर्म। तो ये 3.14 बटा जेड कहीं वन यहाँ पर लाइक रहेगा। तो जो पोल है हम लिखेंगे पोल लाइज इनसाइड द सर्किल,
इसके लिए हम अब जो हमारा इंटीग्रेशन है वो देखिए क्या है। द पोल इनसाइड लाइक रहा तो रेसिडी निकालेंगे हम, रेसिडी निकालने के लिए ये रेसिडी निकालेंगे। रेसिडी के लिए लिमिट, यदि हम जो हमारा पोल है वो फर्स्ट ऑर्डर का है तो उसके लिए हम लिमिट एम, लिमिट जेड टेंस टू, यहाँ पर जो जेड की वैल्यू आई है पाई आई, और यहाँ पर उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो देखिए क्या, जेड जेड इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए और एफ जेड। अब देखिए यहाँ पर रखिए लिमिट, यहाँ पर जेड टेंस टू ए की जगह हमारा ये है पोल, यहाँ पर ए है पोल, तो जेड पाई आई जेड माइनस पाई आई एफ जेड हमारा ये फंक्शन है, तो एफ जेड की जगह ए टू दीवार थ्री जेड जेड माइनस पाई आई यहाँ से, और जेड इक्वल्स टू ये है पाई आई पर, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और हम लिमिट पुट करें जेड की जगह पाई आई, तो ई टू दी पावर थ्री पाई आई। अब देखिए आपको जो पता होगा ई टू दी पावर आयोटा थीटा ये होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो अब इसकी जगह ये रखिए कोस, ये देखिए आपको आपका देखते हैं आंसर कहाँ तक दे रखा है, तो ये यहीं तक है, आपको आगे सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जो तो आंसर है वो आपकी बुक में यहीं तक है। तो ये हमारा आ गया रेसिड्यू, ये रेसिड्यू आ गया, देखिए इसको आगे हम किस तरह सोल्व करेंगे। अब हमें निकालना है इंटीग्रेशन, तो एफ ए टू द पावर थ्री जेड जेड माइनस पाई आई ये है टू पाई आई इंटू रेसिड्यू, रेसिड्यू टू पाई आई, हमारा रेसिड्यू कितना आया ई टू द पावर थ्री जेड ई टू द पावर थ्री पाई आयोटा, ये हमारा आंसर है। और आगे भी दे रखा है फर्दर हमें सोल्व करना पड़ेगा, ये यहाँ पे सोल्व सकते हैं आप, लेकिन जब टू पाई आई ये है कोस थ्री पाई प्लस आयोटा साइन साइन थ्री पाई, क्योंकि ई टू द पावर आयोटा थीटा होता है कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह यहाँ पर थ्री पाई, तो कोस थ्री पाई प्लस आयोटा साइन थ्री पाई। अब देखिए ये टू पाई आई, कोस पाई की वैल्यू होती है माइनस वन, तो कोस थ्री पाई की वैल्यू माइनस वन प्लस कोस जो साइन हमारा होता है साइन एन पाई की वैल्यू होती है जीरो, तो ये आएगा माइनस टू पाई आई, तो इसकी वैल्यू थी ये आ रही है हमारे पास, ये हमारा आंसर होगा माइनस टू पाई। आप यहाँ पर भी इसको छोड़ सकते हैं या ये भी आंसर, तो ये था हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर। अब देख सकते हैं किस तरह हमने किया,